हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी थ्री लेयर का ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक जो 4 से 6 साल के बच्चे के नाप का है और आपको जितना बड़ा बनाना है आप इस मेथड से उस साइज़ का बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट की बॉडीज हम कट करेंगे जिसके लिए सिंगल कपड़ा लेंगे क्योंकि ये ओवरलैप बॉडी है। तो इस तरीके से टी शर्ट प्लेस कर लीजिए, शोल्डर का आर्मोल्स का वन साइड का आप इस तरीके से मेजरमेंट ले लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ। एक साइड का ही आर्मोल्स का मेजरमेंट लेना होगा। उसके बाद जितने आपको लंबा जो बॉडीज होती हैं वो प्रिपेयर करना है, उसमें प्लस 1 इंच लूजिंग रखते हुए वो आप ले लीजिए। मैंने 9 लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और दोनों साइड पर इस तरीके से उसी लेंथ का मार्क करके आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर टी शर्ट हटाते हुए जहाँ पर आपने एक साइड डॉट लाइन दिया है वहाँ से इस तरीके से दूसरे शोल्डर तक जो है आपको स्लांट लाइन दे देना होगा इस तरीके से। अब ये जो मार्किंग एरियाज है ये कपड़े की आपको विजिबल नहीं है, बट मैं जब कट कर लूँगी तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आपको फ्रंट की ये हाफ बॉडी है इसे इस तरीके से कट करना है। इसके ऊपर जो है वो वापस ऐसे ही कट करके हमें जो है वो ओवरलैपिंग करनी होगी। तो इसे कट कर लेंगे, उसके बाद सेम इसे के उल्टा रखेंगे, सीधा रख के कपड़ा रखेंगे एंड इसे उल्टा रखेंगे एंड दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे सेम इसी तरीके से। सो यानी यहाँ पे दूसरा पार्ट भी आप देख रहे हैं कट कर रही हूँ, सेम उसे रख लिया है, ट्रेस नहीं किया, डायरेक्टली मैंने कट कर लिया है और हमें फ्रंट के जो है वो 2 हिस्से मिल गए हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इसे ओपन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, नीचे की तरफ सिलाई दे देंगे ताकि ये लॉक हो सके और गले की एरिया को हेम कर देंगे। सो ये कर लिया। बैक के फैब्रिक के लिए हमें कपड़े को फोल्ड करना होगा और फ्रंट के फैब्रिक को रखकर एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद इसे कट कर लीजिए। बहुत ही आसान था। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होगी फ्रंट के लिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछिएगा और मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बैक के भी कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट एंड बैक के कपड़े का कट हो चुका है तो हमें आगे की भी बॉडीज तो पहले ही मिल गई थी, पीछे की भी मिल गई है और अब हम घेरा प्रिपेयर करेंगे। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो है हमें अंदर के लिए अस्तर कट करना होगा जो मैंने सेम कपड़े से कट किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे कपड़े से भी कर सकते हैं। इस तरीके से अम्ब्रेला शेप में मैंने एक सिंगल बार ही इसे फोल्ड किया क्योंकि मैं 2 फ्रंट एंड बैक का अलग अलग घेरा कट करूँगी। जितनी बच्चे की कमर है आगे की उसकी आधा ले लीजिए। लेंथ जो है मैं फिलहाल 8 ले रही हूँ क्योंकि नीचे एक लेयर आएगा 5 इंच का जो लेंथ बढ़कर हो जाएगी 14-15, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 लिया है। उसके बाद मेजरटेप घुमाते हुए आप सर्कल ले लीजिए, सेमी सर्कल, और इस पार्ट को भी कट कर दीजिए। सेम ऐसे ही आपको दूसरा हिस्सा भी कट करना होगा। तो अब इसी कट करने के बाद हमें जो है वो फ्रंट का और बैक का दोनों हिस्सा कुछ इस तरीके से रिसीव हो जाएगा। ये सिर्फ आगे का हिस्सा है, पीछे का भी हिस्सा आपको सेम ऐसे ही कट करना है। जो लेंथ मैंने 8 लिया है तो हर 4-4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग लगानी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि हम फ्रिल लगाएंगे तो फ्रिल जब एक जैसी आती है तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है, तो उसके लिए मार्किंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर जगह मेजरटेप रखते हुए जहाँ जहाँ 4-4 इंच आ रहा है आप उसे मार्क कर लीजिएगा ताकि वहीं से ही आप फ्रिल हर जगह घुमाते चले जाइए, जो कि आसान भी होगा और नीट भी काफ़ी ज़्यादा आपका जो ड्रेस है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं मैंने डॉट लगा दिया है। अब डॉट के साथ हम इस तरीके से ट्रेस भी कर लेंगे। अब जो है वो मैं यहाँ पर दूसरा लाइन भी आप देख रहे हैं मैं ट्रेस कर रही हूँ। तो मैंने दोनों कपड़ा कट कर लिया है फ्रंट एंड बैक का, सेम वही अम्ब्रेला मेथड से ही कट किया है। अब इस तरीके से 5-5 इंच की पट्टियाँ ले ली है क्योंकि आधा इंच हमें अंदर फोल्ड करते हुए जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इसलिए 4 इंच के जगह पे 5-5.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लीजिए ताकि छोटा ना हो। 6 पट्टियों की ज़रूरत होगी, 3 आगे के लिए 3 पीछे के लिए। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको वेस्ट लाइन का आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से चुन्नट देते हुए आप लगा लेंगे तो नीचे वो इस तरीके से राइट साइड को टर्न होगा।
तो जो घेरा रहेगा वो सीधा, और पट्टी को जो है फिर उल्टा रखते हुए सबसे पहले जब आप चुन दे देंगे तो वो नीचे जो सीधे की तरफ आएगा। तो आप देख रहे हैं पहली पट्टी लगा ली हूँ, दूसरी पट्टी अंदर जो आपने मार्किंग किया था वहां से शुरू करना, ताकि दूसरी पट्टी की जो चुन्नटे की सिलाई हो वो विजिबल ना हो, डायरेक्ट लेयर विजिबल हो। तो सेम उसी मेथड से दूसरी पट्टी को भी हम जो है वो सिलाई दे देंगे। तो तीनों पट्टी मैंने लास्ट लाइन पे भी लगा लिया है, और इसी साथ फ्रंट एंड बैक दोनों पे मैंने ये रफल लगा ली, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसमें जो है वो बॉडीज अटैच कर लेंगे, तो फ्रंट एंड बैक की बॉडीज को इस तरीके से हम उसके ऊपर प्लेस कर लेंगे, घेरे को सीधा रखेंगे, बॉडीज को उल्टा रखते हुए उसके वेस्ट लाइन के पास इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। सो फ्रंट एंड बैक दोनों की ही जो बॉडीज है वो मैंने जॉइन कर ली है इस तरीके से। स्ट्रैप अंदर हम रख रही हैं, दोनों साइड से अंदर की तरफ पुश करेंगे, बैक साइड के कपड़े को उल्टा रखेंगे और सिलाई दे देंगे। ये स्ट्रैप जो है वो आगे भी आप टाई कर सकते हो, पीछे भी टाई कर सकते हो, वो अपनी मर्जी के हिसाब से है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो शोल्डर भी हमें स्टिच कर लेना होगा इसे पकड़ते हुए, और आर्म होल्स के नीचे से लेकर घेरे की फिटिंग देनी होगी, रफल को छोड़ते हुए रफल सारा अंदर की तरफ पुश कर दीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने सिलाई दे दिया है, आप देख सकते हैं, और इस स्ट्रैप को इस तरीके से आगे की तरफ करते हुए नॉट लगा दीजिएगा। तो इसे आप बैक पे भी बांध सकते हो, फ्रंट पे भी बांध सकते हो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से बांध सकते हो। अब रफल जो है वो मैंने सिलाई साथ में नहीं की थी, तो सारे रफल्स को हम पकड़ेंगे और उसके बाद फ्रंट एंड बैक के रफल को इस तरीके से पकड़ते हुए हमें जो है वो सिलाई देनी होगी। इससे जो है फ्लो भी बहुत अच्छा आता है, लुक भी ड्रेस का बहुत अच्छा आता है। तो सारे रफल्स को पकड़ते हुए आप सिलाई दे दीजिएगा, एंड उसके बाद ये ड्रेस जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। आप इस ड्रेस को अपने लिए भी बना सकते हैं, स्कर्ट भी इस तरीके से थ्री लेयर का बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट डाउन करके जरूर पूछिएगा। टिल देन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।